और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शनिश्वर मंदिर नेरुल में शनि देव का रथोत्सव, शनिश्वर सेवा समिति ट्रस्ट का आयोजन। शनिश्वर मंदिर में शनि देव का रथोत्सव निकाला गया। शनिश्वर सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस रथोत्सव महापूजा में सैकड़ों नागरिक पारंपरिक परिधान में भजन कीर्तन करते नजर आए। शनि देव का रथ ढोल नगाड़ों के साथ बड़े ही धूमधाम से नेरुल में निकाला गया। कांग्रेस महासचिव संतोष शेट्टी ने बताया कि वो पिछले कई सालों से इस महापूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। उन्होंने शनि देव की महिमा का गुणगान करते हुए शाम को होने वाली धार्मिक महासभा में शामिल होने का सभी नागरिकों से आह्वान किया है। शनिश्वर मंदिर में हर साल जैसा रथोत्सव सादर हम लोग मध्यनवमी का निमित्त एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। अभी रथारोहण का काम हुआ है, अभी शाम को रथोत्सव का कार्यक्रम होगा, उसमें हजारों संख्या में लोग भाग लेते हैं। अभी कर्णबधिर अंधा अपंगा लोगों का रसमंजरी कार्यक्रम का आयोजन किया है। अभी थोड़ा देर के बाद धार्मिक सभा का आयोजन होगा। शनि का महात्मा पूरा दुनिया को पता है और अभी विशेष शनि का शनि मकर राशि में, इसके लिए आज देश का, सरकार का, जनता का परिवर्तन होगा। शनि का महात्मा देश भर विश्व भर है। शनिश्वर चरणी प्रार्थना है सबको अच्छा बुद्धि, आरोग्य, भाग्य, धन संपत्त उसका लाभ करे और सभी खुशी और खुशहाल में रहे, ऐसा शनिश्वर चरणी प्रार्थना है। आज आए हुए सभी भक्तों का शनिश्वर मंदिर ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत है। बता दें कि इस रथोत्सव में नगर सेविका मीरा पाटिल, सुरेश शेट्टी, महेश शेट्टी समेत सैकड़ों नागरिक मौजूद रहे। शाम को होने वाली धार्मिक महासभा में कांग्रेस मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और विश्वजीत कदम शामिल होने वाले हैं। शनि भगवान नवग्रह से एकदम श्रेष्ठ है, सब लोग डरते हैं शनि भगवान का क्या है, शनि का पूजा करने से सब जो भी है ग्रह दोष है शनि का जो भी है वो आप निवारण हो जाता है। शनि को डरने की कोई जरूरत नहीं है, शनि मंदिर में आके तेल चढ़ा के हाथ जोड़ेगा जो भी है शनि ग्रह दूर हो जाएगा। शनि भगवान कोई भी किसको भी कष्ट देने वाला है, कष्ट सबको अच्छे से इच्छा से इच्छा देने वाला है, सबको अच्छा करने वाला है। सब लोग जितना भी, मैं भी 12 साल पहले जब मंदिर बनने से पहले इधर आते थे मगर इतना ये नहीं था, मगर आज 12 साल के बाद हम हमेशा हर शनिवार को आता हूँ और इधर मेंबर हूँ। इधर इतना लाखों का आदमी आज आता है, सबसे प्रसाद ले, सब लोग प्रसाद मिलता है और सब लोग बहुत अच्छा हो गए। आज भी ये रथोत्सव में शाम का टाइम में कम से कम 10,000 आदमी लोग ज़्यादा इधर इकट्ठा हो जाते हैं। ये सिर्फ नवी मुंबई का त्यौहार नहीं है, ये महाराष्ट्र का त्यौहार है। ये रथोत्सव महाराष्ट्र में सबसे पहला है, इतना ऐसा रथोत्सव किधर भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।